Good morning, students. Input devices we have already completed. So now देखिए ये एक activity zone है. इसमें क्या हो रहा है. See here, how to transfer an image from a digital camera to your computer. Almost everyone knows about how to do that. Okay. But फिर भी कई students ऐसे होते हैं they are not able to do that. So इसलिए I'll just explain about it. So how to transfer an image from a digital camera to your computer. कि हमारे मोबाइल से हमारे डिजिटल कैमरा से हम कंप्यूटर में इमेज किस टाइप से सेव करते हैं. तो सबसे पहले देखिए विद द हेल्प ऑफ अ यूएसबी डेटा केबल अटैच द मेमोरी कार्ड रीडर ऑफ योर डिजिटल कैमरा टू द यूएसबी स्लॉट लोकेटेड इन योर पीसी. तो आप क्या कर सकते हैं, एक डेटा केबल लें, यूएसबी केबल जो रहती है इसके थ्रू हम हमारे कैमरा में जो मेमोरी कार्ड है उसको अटैच कर लें, या फिर डायरेक्टली हम हमारे कैमरे को भी, अभी डिजिटल कैमरे को भी हम हमारे सिस्टम से हमारे कंप्यूटर के यूएसबी स्लॉट से कनेक्ट कर लेते हैं. तो उससे क्या होता है, टेक आउट द मेमोरी कार्ड फ्रॉम योर कैमरा एंड प्लेस इट इनटू द मेमोरी कार्ड रीडर. कि अगर आप मेमोरी कार्ड रीडर का यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी कार्ड रीडर एक डिवाइस होता है जिसमें आप अपने मेमोरी कार्ड को पुट करते हैं और वो आपके मेमोरी कार्ड को रीड करता है. सो मेमोरी कार्ड रीडर इसे बोला जाता है. सिंपल हम क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट कंप्यूटर, ओपन द मेमोरी कार्ड ड्राइव बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट. नाउ यू हैव एक्सेस टू ऑल द इमेजेस स्टोर्ड ऑन द मेमोरी कार्ड. तो हमारे सिस्टम में इस टाइप से जब हम मेमोरी कार्ड अटैच करते हैं तो वो इस टाइप से डिस्प्ले होता है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे मेमोरी कार्ड को ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद में उसमें जितनी भी इमेजेस हैं उनको आप कॉपी करना है, डिलीट करना है, जो भी आप ऑपरेट करना चाहते हैं, जो भी उस पर परफॉर्म करना चाहते हैं हम ऑपरेशन, वो उस पर परफॉर्म कर सकते हैं. सो नाउ यू हैव एक्सेस टू ऑल द इमेजेस स्टोर्ड ऑन द मेमोरी कार्ड. सेलेक्ट एंड कॉपी द फाइल्स दैट यू वॉन्ट टू ट्रांसफर टू योर कंप्यूटर. तो क्लिक ऑन स्टार्ट एंड ओपन अनदर विंडो ऑफ कंप्यूटर, ओपन द डेस्टिनेशन ड्राइव जहाँ पर आपको कॉपी करना है वो डेटा, वो आप कर सकते हैं. तो इस टाइप से हम हमारे जो है डिजिटल कैमरा से इमेज को सिस्टम में हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में कॉपी कर सकते हैं. हाउ टू रिमूव द फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव क्या होती है, आपका कोई भी डिवाइस जैसे आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो पेन ड्राइव एक फ्लैश ड्राइव है ना. तो फ्लैश ड्राइव को रिमूव करने के लिए हमें कुछ ऑप्शन होता है. डायरेक्टली बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट पुट किया एंड सडनली उसको निकाल लेते हैं. तो आपको उससे पहले एक प्रोसेस करना होता है, दैट इज़ राइट क्लिक ऑन द टास्क बार, यू विल फाइंड एन आइकन दैट सेज सेफली रिमूव हार्डवेयर एंड इजेक्ट मीडिया. तो ये आपको करना रहता है, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है. नॉर्मली जो हमारी टास्क बार होती है उस टास्क बार पर ये इस टाइप का विंडो रहेगा, यहाँ से आप इसको पेन ड्राइव का ये ऐसा शो होता है ये वाला आइकन, ठीक है. तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव सेफली हार्डवेयर एंड इजेक्ट मीडिया. अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट डिवाइसेस की. सो आउटपुट यूनिट डिवाइसेस क्या होते हैं, दैट आउटपुट यूनिट का मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर इनपुट लेता है देन उस पर प्रोसेस करके और फिर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, वो आउटपुट प्रोवाइड कराता है. तो द आउटपुट यूनिट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग द प्रोसेस डेटा इन अ यूजर रीडेबल फॉर्म. अ कंप्यूटर कैन हैव सेवरल आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू इट. सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर लिस्टेड बिलो. इसमें सबसे पहला आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर. एज वी नो मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस. विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है कंप्यूटर की इसको, मॉनिटर को. विजुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स हर चीज़ हमें विजुअलाइजेशन डिस्प्ले होती है, तो इसलिए इसे VDU भी बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर जस्ट लाइक अ टेलीविजन. अ मॉनिटर ऑल्सो डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. जैसे TV होता है, टेलीविजन होता है, उसी टाइप से हमारा मॉनिटर भी हमें आउटपुट डिस्प्ले कराता है. द पिक्चर ऑन अ मॉनिटर इज मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल कलर डॉट कॉल्ड पिक्सल्स. आपका जो मॉनिटर पर स्क्रीन पर जो इमेज डिस्प्ले होती है वो इमेज पिक्सल्स से मिलकर बनती है. पिक्सल्स क्या है, पिक्सल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज. तो जो नॉर्मली जो डॉट्स होते हैं आपने देखा, वो जूम करते हैं हम अगर पिक्चर को, और एक्स्ट्रा जूम अगर हम करते हैं तो पिक्सल्स वहाँ पर
एक लिमिट आने के बाद में वहाँ पर पिक्सल्स हमें दिखने लगते हैं, वो पिक्सल्स फटते हैं, तो वो स्क्वायर के शेप में रहते हैं। देखा हो आपने अगर किसी भी इमेज को जूम करते हैं ज़्यादा हम, तो वो थोड़ा ब्लर होने लगता है ना। तो यही जो चीज़ है वो पिक्सल्स होते हैं, तो जितने हाई पिक्सल्स होते हैं इमेज उतना ही क्लियर शो होता है। ओके, सो मॉनिटर रिजोल्यूशन इज मेजर्ड इन पिक्सल्स विथ बाई हाइट, फॉर एग्जाम्पल 920 × 1080 मीन्स विथ इज 1920 पिक्सल्स एंड द हाइट इज 1080 पिक्सल्स। तो द आउटपुट डिस्प्लेज ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जो मॉनिटर पर जो भी आउटपुट हो, चाहे इमेज हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, कोई वीडियो हो, वॉट एवर जो भी होता है, वो सब सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। अब यहाँ पर मोस्ट कॉमनली थ्री टाइप्स हैं आपके जो हैं मॉनिटर्स के। फर्स्ट वन इज CRT मॉनिटर्स, जो बहुत पहले यूज़ होता था, अभी तो LCD और LED ही नज़र आते हैं ज़्यादातर मोस्टली, बट जो पहले बॉक्स टाइप का रहता था वो CRT होता था ना, कैथोड रे ट्यूब, एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, एंड लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर्स दैट इज LED। ओके, तो इसके बारे में देख लीजिए आप एक बार, थोड़ा रीड करिए। सी यस, CRT मॉनिटर्स फॉर द मोस्ट कॉमन मॉनिटर्स अंटिल फ्लैट पैनल स्क्रीन्स बिकेम अफोर्डेबल। द कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन इन दिस मॉनिटर्स, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइट अप द पिक्सल्स विच फॉर्म द इनर कोटिंग ऑफ द स्क्रीन। कलर इज अचीव्ड बाई कंबाइनिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू शेडेड ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। CRT मॉनिटर्स आर बल्की एंड ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस। दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस, 14 इंच, 15 इंच, 17, 21 इंचेस। CRT मोनिटर स्टिल हैज़ बेटर कंट्रास्ट रेशियोज एंड व्यूविंग एंगल्स देन एनी अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर मोनिटर। ठीक है, तो CRT मोनिटर के अंदर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन गन होती है दैट हेल्प्स टू ट्रेवल द इलेक्ट्रॉन्स लाइट बीम्स ऑफ पिक्सल्स। जो होती है वो आपके एक फास्फोरस जो होता है आपका, फास्फोर डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स से होती हुई गुजरती है, एंड देन रेड ग्रीन ब्लू कलर की इसमें जो है एक बोलें तो हम ट्यूब टाइप की रहती है, उस ट्यूब से वो कलर हमारे वहाँ पर डिस्प्ले मॉनिटर पर होते हैं। CRT मॉनिटर्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, भारी होता है, वज़नदार होता है, बल्कि होता है ना, और जो है अभी भी इसमें जो कंट्रास्ट रेशियो है इसका या जो व्यू है वो यूज़र कहीं भी किसी भी एंगल से इसमें इमेज इजीली और क्लियर देख सकता है। बात करें LCD की, तो LCD में ये बहुत इश्यूज़ हैं। LCD फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, लाइटर है, थिनर है, CRT मॉनिटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली भी रहता है। तो इसमें क्या रहता है, लिक्विड क्रिस्टल्स डू नॉट एमिट लाइट्स डायरेक्टली। लिक्विड क्रिस्टल में जो लाइट है वो डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होती है। दिस सेव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन बी माउंटेड ऑन वॉल्स। दे प्रोवाइड अ वाइड व्यूविंग एंगल्स एंड कम इन वेरियस साइजेस, 17 इंचेस से लेके 16 इंचेस तक में रहता है आपका जो LCD मॉनिटर है, और ये आपका जो है वाइड व्यूविंग एंगल्स प्रोवाइड कराता है। इजीली हम इसको वॉल्स पे हैंग कर सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर्स, टेलीविजन, इंस्ट्रूमेंटल पैनल्स, कॉकपिट डिस्प्लेस, दे आर ऑल्सो यूज इन डिवाइसेज सच एज क्लॉक्स, वॉचेस, कैलकुलेटर्स, गेमिंग डिवाइसेज। तो LCD मॉनिटर का यूज इन सब प्लेसेस पे होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग जो है LED है, LED डिस्प्लेज इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। दिस मॉनिटर्स आर लाइट एमिटिंग डायोड्स दैट एक्ट एज परफॉर्मेंस बूस्टर इन दैम। LED मॉनिटर्स ऑफर्स बेटर कलर क्वालिटी, क्लैरिटी एंड डिस्प्ले देन द LCD मॉनिटर्स। LCD एंड CRT मॉनिटर के कंपैरिजन में LED थोड़ा सा आपका क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है आपकी इमेज को। LED मॉनिटर ऑफर्स बेटर कलर क्वालिटी, क्लैरिटी एंड डिस्प्ले देन द LCD मॉनिटर्स। नेक्स्ट
बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एलईडी मॉनिटर नाउअडेज़। इसमें इतना ही है, एक होता है टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन इज अ स्पेशल मॉनिटर दैट अलाउज द यूज़र टू इनपुट इंफॉर्मेशन बाय टचिंग द आइकन्स और ग्राफिकल बटन्स प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। एटीएम, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स पर ये इस टाइप का जो है मॉनिटर स्क्रीन लगी हुई होती है। वन कैन एंटर ओनली a limited amount of data by using touch screen technology. It is also used in ATM machines, offices and cineplexes to retrieve the desired information. Touch screen monitors are used in many supermarkets and museums to give information about product and object of historical importance respectively. ये हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर। सबसे पहले है मॉनिटर में थ्री टाइप्स हैं। मॉनिटर यूज टू डिस्प्ले इमेजेस, वीडियोस, वॉट एवर जो भी हमारा डिस्प्ले कराने के हैं। एंड इसमें जो भी मॉनिटर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है दैट ऑल आर कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर मेनली थ्री टाइप्स, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, थोड़ा बल्की होता है, फास्फोरस, इसमें एक ट्यूब लगी हुई होती है, उस ट्यूब्स में सीआरटी कलर्स वगैरह होते हैं और डायरेक्ट लाइट जो है वो आपकी उस ट्यूब से होती हुई और डिस्प्ले पर जाती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह इसकी जो है वो ज़्यादा रहती है। 14 इंच से लेके 15, 17 एंड 21 फोर साइजेस में अवेलेबल था और अभी बहुत कम यूज़ है, बहुत रेयर यूज़ होता है कैथोड रे ट्यूब का। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी सीआरटी मॉनिटर के कंपैरिजन में लाइट वेट है, थिनर है, ईजिली वॉल पर हम इसको सेट कर सकते हैं, स्पेस नहीं लेता है। 17 इंचेस से लेके 16 इंचेस तक में अवेलेबल है। प्राइस रेट थोड़ा हाई रहता है कंपैरिजन टू सीआरटी। इसका जो डिस्प्ले है वो क्लियर होता है, कलर क्वालिटी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी जो है कंपैरिजन टू एलसीडी बेटर है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं। टच स्क्रीन के बारे में आप देख लो एक बार, इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप डाउट क्लास में पूछ लीजिए। मोबाइल डिस्प्ले, आपका आईपैड का डिस्प्ले, लैपटॉप्स में भी ये फीचर्स आने लगे हैं अभी, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है टच स्क्रीन मॉनिटर के थ्रू होता है।